आस्थान में विराजमान प्रभु श्रीराम सामना कसला रामलला भव्य और दिव्य प्रतिमार प्रथम झलक। 4 घंटार पूजा विधि पर आस्थान में स्थापित होइछी रामलला विग्रह। जय श्रीराम ध्वनि रे कंपिला अयोध्या 22 प्राण प्रतिष्ठा नहीं शेष पर्यायर पहुंची प्रस्तुति। 4 घंटा धरी स्वतंत्र रीतिनीति मंत्रोच्चारण और पूजा विधि सहित विग्रह को स्थापन कर सूचना अनुसार मूर्तिकार अरुण जोगीराज विग्रह स्थापन समय उपस्थित रही थे। अरुण जोगीराज विग्रह स्थापन समय उपस्थित रही थे। 22 तारीख में हो प्राण प्रतिष्ठा और 23 तारीख रु रामलला दर्शन करें श्रद्धा। बुधवार गर्भगृह में विग्रह को प्रवेश करा कड़ा सुरक्षा सहित विग्रह को घोड़ा जाए प्रवेश करा गुरुवार शुभ मुहूर्त स्थापन करा जाए छी। संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि स्वप्नांजलि रही। स्वप्नांजलि अयोध्या नगरी जदि कह राम नाम तो प्रकम्पित होता किंतु एवं रामलला प्रथम झलक भी सामना को आसी माने देखला सत्य देहरे शिहरण सृष्टि होती तो आम तो ये दूर रही आप जगार उपस्थित अच्छा अनुभव भी कर जगत अयोध्या नगरी केमती राममय होती तो जो रामलला प्रथम झलक नहीं टी आम कहतु केमी रामलला प्रतिमूर्ति देखु नीलिमा जो भाई भाव में समस्त अपेक्षा थिला सारा विश्वर लोक मैंने कोण अनुकोण जो मैंने आसीपारी ना अयोध्या किंतु समस्त अपेक्षा थिला रामलला दर्शन करने वर्तमान सोशल मीडिया रे आपण देखुथे कोभली भाव में रामलला जो जन्म श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्षर जो विभिन्न जगह जो फोटोटी सेयार हो विभिन्न अन्य गणमाध्यम फोटो देखुथे आम हाथ जो हस्तगत हो फोटो रामलला संपूर्ण फोटो आसी दीर्घ 4 घंटार पूजा विधि पर वर्तमान रामलला विराजिंट निज आस्था और आहरी समय बाकी अच्छे जेहेतु 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा हम भव्य दिव्य राम मंदिर स्वचक्षु लोक मैंने देखापी पाइबे ये मंदिर दिव्य दर्शन ता सहित रामलला जो दिव्य दर्शन देखापी 6 मास धरी लगातार लोकंर अयोध्यार भिड़ रही है और अरुण जोगीराज कर्णाटक मूर्तिकार जे कि सिलेक्ट होते 3-4 जन मूर्तिकार भितर जदि पूर्वर इतिहास आम परखा तेज 3-4 जन मूर्तिकार भितर ये अरुण जोगीराज जे कर्णाटक रही मूर्तिकार बेस शांत स्वभाव सरल व्यक्ति जनक जे या मूर्ति प्रतिमा को जीवंत रूप देवाई चेष्टा कर तार आज प्रथम झलक वर्तमान समस्ते देखापी पाँच ये भव्य दिव्य दर्शन देखिकी समस्ते उल्लास उद्दीपना और उत्कर्ष से भरपूर होती आज सीएमओ योगी आदित्यनाथ तृतीय थरपाई आज गस्त करते अयोध्या और अयोध्या आज मंदिर परिक्रमा कर दर्शन कर टिकनिक खबर जांच कर सहित लोक मान उत्साह रही कैमेरा पर्सन सुमंत आपको भिजुआल देखेबे ये जो दिव्य मंदिर परिसर बे सजा सुसज्जित हो गला कांथ बाड़ वर्तमान कहानी कहला राम मंदिर गाथा गाइला किंतु भितर बड़ खबर जहाँ आसी रामलला फोटो वर्तमान सर्वसम्मुख को आसी आस्थान विराजमान होती ये जो पूजा विधि 16 खास कर 21 तारीख पर्यंत नीलिमा चलो तार पूजा विधि आज सका 9:30 ही आरंभ होता राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्ष एक स्पष्ट होता जो 16 तारीख रु आरंभ हो पूजा विधि 21 तारीख दिन सर 22 तारीख जो पूजा विधि रही 70-75 मिनिट पर्यंत चलो से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ठारु आरंभ कर योगी आदित्यनाथ ठारु आरंभ कर तमाम जो गर्भगृह जो 5 जन व्यक्ति खास व्यक्ति रही उपस्थित रे सहित काशी एवं वाराणसी जो 2 जन पंडित जो माने आसीबे से माने पूजा रे उपस्थित रहिबे पूरा पूजा प्राण प्रतिष्ठा द्वारा हेब किंतु आ भितरे जो खबरटी आसी जो फोटोटी वर्तमान रामलला सामना को आसी से फोटो विषय जदि अधिक तथ्य आम देवाई चाहिए तेज फोटोटी जहाँ सामना को आसी कृष्णशिला जो कर्णाटक कृष्णशिला जगार ही अरुण जोगीराज ये काम आरंभ करते पखापाखि कहुच्छी तथ्य अनुसार जून जुलाई मसर आरंभ होता ये काम एवं ये डिसेम्बर सुधा सरी जानुरी 22 रे प्राण प्रतिष्ठा पाइबापी जा 51 इंच खास करी ये जो चित्र ये जो प्रतिमा सामना को आसी बहुत तदारख पर बहुत जांच पर ये चित्र सामना को आसी लोक मानते वर्तमान पहुँचुची जदिओ प्राण प्रतिष्ठा होना अपेक्षा रही रामलला दर्शन करने कि 22 तारीख ही प्राण प्रतिष्ठा हम प्रधानमंत्री उपस्थित रे जो पूजा पूजा महंत रही सत्येन्द्र दास सी उपस्थित रे कैमेरा पर्सन आपको देखा भिजुआल सुसज्जित होम मंदिर और सुसज्जित होंथ बाड़
ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସମୟ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଲଗାତାର ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, 19 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, 20-21 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ, 22 ତାରିଖ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ବିଧିରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ପୁଣି 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ରାମ ମନ୍ଦିରର ସେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 51 ଇଞ୍ଚର ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ରହିଛି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ହସ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ହିଁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବାବେଗ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା, କାହା ସେ ଆଏ ହେ ମାର ହମ ଅଖିଲ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଔର ହମ ଆଏ ହେ ବସ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦୟାରାମ ଯାଦବ। अयोध्या की माहौल यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये सतयुग की वापसी का नारा है जो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि 21वीं सदी सतयुग की वापसी, 21वीं सदी नारी सदी होगी और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। महाराज जी कैसा लग रहा है अयोध्या की माहौल, कैसा लग रहा है जी अयोध्या? तो एक मिनट रुको, एक एक जवाब दे। अयोध्या का माहौल ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो आप खुद अनुभव कर रहे हैं इसलिए आप भी मानोगे कि आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि उत्सव है, और उत्सव भी ऐसा जो विश्व लेवल का, ये तो खुद आपको भी फीलिंग हो रही, मनुष्य सबको फीलिंग होती है, तो जैसी आपको फीलिंग हो रही है ऐसी हमें फीलिंग हो रही है। इसलिए झूठ भी नहीं बोल रहे, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, पर उस घटना उस इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही जो त्रेता के समय 14 वर्ष के वन गमन के बाद जो अयोध्या में खुशी हुई थी वो आज है। पर ये 500 साल का वन गमन था और 500 साल के वन गमन के बाद वही खुशी हुई, उस घटना की, उस इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही, तो हम ही नहीं आप भी है आत्मा से परचे है ना। कैसा लग रहा है, झूम रहे हैं आप, गा रहे हैं जी? झूम तो हम लोग उसी समय से रहे हैं जिस समय से पता चला था कि हमारा मंदिर निर्माण हो रखा है, अब रामलीला बैठने वाले हैं, पर अब खुशी की तो बयां नहीं है, जब जुबान से हम कह नहीं सकते, पर हम लोगों के नेत्रों से और हम लोगों के चेहरे से जो बयां हो रही है, तो हाँ अनुभव वो सबका अनुभव बता सकता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग विशाल मेले में आ गए हैं, ऐसा तो भव्य मेला भी नहीं देखने को मिलता था जो, और बस मेरा कैसा लग रहा है? हमको लगने के लिए भगवान राम की स्थापना के बाद सत्य का आगमन होने वाला है, अब सतयुग आने वाला है, अब दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकता, और कलयुग हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से गुरुदेव गुरु जी की कृपा से भगवान राम की स्थापना के बाद सतयुग का प्रवेश हो रहा है। निर्मा ये देखु तुले विजुअल के कोभली भावरे लोक माने नाचु चंती गाउ चंती एवं भव्य दिव्य राम मंदिर दर्शन कर चंती, परिसर मध्य केते खुशी अछि। ये सत कथा निर्मा, जे अयोध्या जी आसिबो से ए कथा तो स्पष्ट हबो, ता मुहरे हस रहिबो, ता मुहरे से भाबावेग रहिबो, ता मुहरे से शक्ति आसिबो, ता अनुभव से केवल करि परिबो जे राम मंदिर दर्शन परे ताकु केमिति लागुछि। सेई भली भावरे एई व्यक्ति माने जो माने ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଅନୁଭବ କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ କରାଯାଇପାରେ, ଏହା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ଇଏ କେବଳ ଅନୁଭବର କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି, ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା 22 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିବେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ, ତା ସହିତ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ମନେଇବେ। କାରଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ତ ଶୁଣିଛେ, କେବଳ କଥା କାହାଣୀରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସ୍ୱପ୍ନା, କି ଯେତେବେଳେ ବନବାସରୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦୀପ ଜଳି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ମନାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତ 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆମେ ତ ସେ ଯୁଗ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ କି ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।